स्वागत है आपका संगीत शिक्षण हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको सरगम बोल के दिखाई कि कॉर्ड्स में सारे ही कॉर्ड्स मैंने लगाए, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो देखिए हारमोनियम का कॉर्ड्स जो होते हैं, कॉर्ड्स सभी सेम होते हैं, किसी में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे वो कीबोर्ड पर हो चाहे वो हारमोनियम पर हो, क्योंकि है तो ये भी कीबोर्ड ही। बस हारमोनियम का जो ये अपना जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, आप पूरा देखिएगा। जो बेसिकली मैंने सीखा है, जो मेरे गुरुजी ने सिखाया है, उसमें मैं फोर फिंगर्स का यूज़ करता हूँ, यानी फोर नोट्स का यूज़ करता हूँ कॉर्ड लगाने के लिए। क्यों करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, और वो इफेक्टिव है क्यों ये भी मैं आपको बताऊँगा और इफेक्टिव है वो। देखिए हमें ये सा अगर बोलना है, मैं ये पहले काले से जो रियाज करते हैं व्यक्ति उनके लिए बता रहा हूँ, सी शार्प से, और सभी के लिए कॉर्ड सेम रहेगा। सा का कॉर्ड क्या है, देखिए हम कुछ कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं किस तरह से होते हैं। देखिए जैसे हमने सा बोला, सा क्या हुआ, सा गा पा, कॉर्ड हुआ सा गा पा, सा गा पा सा, फिर रे पानी रे रे, हमें शुद्ध ही स्वर लगाने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, रे के लिए ये लगा लेते हैं, ये तो सा बन गया हमारा, और ये गा कोमल हो गया। देखिए ये सा इधर बन गया, ये डी शार्प हो गया, दूसरे काले का हो गया, ये कॉर्ड जो हो गया सागा पा शुद्ध स्वरों का हो गया, ये माइनर का हो गया। मेजर माइनर में भी आपको मैं अंतर बताऊंगा पर अगले वीडियो में। इसमें सिर्फ आपको बिना कोई शक के सिर्फ आपको सरगम का रियाज करना है, क्योंकि आप इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं। सबसे पहली बात, आप इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं, आप ना कि सी शार्प डी शार्प का कॉर्ड सीख रहे हैं, ये नहीं। आप डी शार्प का कॉर्ड सीखेंगे तो आपको ये आएगा, मेजर में ये आएगा, माइनर में ये आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अलग, वो मेजर माइनर की भाषा में। पर हमारे यहाँ क्या चलता है शास्त्रीय संगीत में, जो हम इंडियन म्यूजिक सीख रहे हैं, तो हमको सारे गामा पाधा नीसा के अकॉर्डिंग ही करना है। कॉर्ड्स रटे नहीं जा सकते हैं, कॉर्ड समझ सकते हैं। कॉर्ड समझने का तरीका ये है कि वो साउंड पर रिएक्ट होते हैं। हम शुद्ध स्वर बोल रहे हैं तो उसका कॉर्ड अलग जाएगा, वही कोमल लगता है तो ये हो जाएगा। देखिए कॉर्ड वही रहेगा इस स्केल से, बस गा कोमल हो गया। जैसे हम अगर भैरवी गा रहे हैं, काफी गा रहे हैं, आसावरी गा रहे हैं, तो हम ये कॉर्ड लगाएंगे, और हम यमन या बिलावल गा रहे हैं, भैरव गा रहे हैं, तो ये लगाएंगे। तो देखिए अब होता क्या है कि हम लोग जो ये करते हैं, ये बना लिया रे का कॉर्ड, तो ये गलत है। ये तो ये फिर सा हो गया हमारा, सबसे पहले समझने वाली बात है, ये तो सा हो गया हमारा, क्योंकि सा हर जगह है जिस स्वर से हमने कर लिया। तो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, आपको सरगम गानी है सीधा। तो कि हम सा के लिए क्या करते हैं, हम सा का एक सा से सा बेस लेते हैं, दो नोट्स लेते हैं, ताकि हम सा आसानी से बोल सके। फिर यहाँ सा गा पा सा ये कॉर्ड लगाते हैं, सा गा पा सा ये सा, तो ऑटोमेटिकली आपके गले से सा निकलेगा। अगर आप ये लगाते हैं तो लोग बताते हैं सा गा पा, तो उससे आपके गले से गा भी निकल सकता है, पा भी निकल सकता है, और सा भी निकल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें निपुण कितने हैं। सा गा पा, देखिए मैंने तीनों स्वर बोल के बताया। ये कहाँ यूज होता है, ये सरल संगीत में यूज होता है, ये कौन चेंज होगा। देखिए रे के लिए क्या हुआ, पानी रे। अब रे का क्या है, पानी रे तो कॉर्ड है ही, हम रे का अगर बेस ले लें और अच्छा, तो हमारा रे और साफ बोला जाए। थोड़ी सी फिंगरिंग की मशक्कत है, मेहनत है, अगर आप कर रहे हैं तो उसमें चार चांद लग जाएंगे। ये ज्यादा ही बेस होता है, ये ज्यादा बेस देता है, तो ज्यादा सरलता से आप स्वर को बोल सकते हैं आसानी से और सटीक तरीके से। रे रे ही फिर गले से निकलेगा, और कुछ नोट निकल ही नहीं सकता, ना पा ना नी, क्योंकि हमने दो रे का आधार ले लिया, इसीलिए रे। ये सरगम गाने के लिए है और शास्त्रीय संगीत में ये प्रयोग होता है। रे फिर गा गा, अपने आप आपके गले से वो निकलेगा। गा गा के लिए क्या है, गा पा सा गा, दो गा फिर पा और सा, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा सकते अभी हमें, क्योंकि ऊपर के स्वरों के लिए भी तो बोलना है, तो फिर उसका हम नीचे का सारा लेंगे, तार सब तक का गा बोलना है, तो हम ये लगा देंगे। अब दूसरी चीज क्या है, हम गा के लिए ये भी लगा सकते हैं, सागा पा, सागा पा तो रहेगा, क्योंकि इसमें भी क्या लग रहा है, पा सा गा,
चाहे हम नीचे से ले लें चाहे मध्य सप्तक से ले लें, पर मेरा मानना है कि आप इसको नीचे से लें। थोड़ा सा वीडियो पूरा समझें तो आपको और क्लियर होगा, पूरा देखें तो देखिए ये ऐसे लगेगा। कभी आप भ्रमित नहीं होंगे। अगर आप आधार बेस का एक नोट ले लेते हैं तो देखिए मैंने दो मा दबाए हैं, तो कॉर्ड क्या बना माधा सा, चाहे आप यहां से लगा लीजिए, पर इसमें धा उच्चारण होने का भी चांसेस है अगर आप उसमें परपक्क नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप मा पहले दबा लीजिए, मा फिर दबाइए। तो पर मैं साथ ही साथ गाना चाहता हूं, तो देखिए मा ही उच्चारण होगा, मा ही का स्वर आपके गले से निकलेगा अगर आप मा दो दबाते हैं। मा पा के लिए देखिए पा, तो पानी रे कॉर्ड वही है पानी रे पा पा मा गा रे सा। थोड़ा सा फिंगरिंग की मशक्कत है, मेहनत है, पर ये बहुत ज्यादा ही कारगर है। अब धा के लिए देखिए वही कॉर्ड है धा सा मा धा सामा था। देखिए सा गा पा ये सा के लिए भी एप्लीकेबल है, गा के लिए भी एप्लीकेबल है, और पा के लिए भी। पा के लिए आप नीरे पा भी लगा सकते हैं जो रे के लिए लगता है, पानी रे बोले चाहे नीरे पा बोले, अगर पा बोलना है तो नीरे पा लगा दें। और धा और मा के लिए सेम है, मा धा दोनों बोल सकते हैं आप। तो उसको और बेहतर बोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मा का आप बेस ले सकते हैं, बेस का नोट ले सकते हैं, मा पा धा नी। अब देखिए नी हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो हमारे नीचे के स्वर ऊपर आते जा रहे हैं। नी के लिए देखिए नी का फोर्थ फिंगर का आपका यूज ज्यादा आएगा, पर ये बहुत कारगर है, बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है स्वरों को मजबूती में लाने के लिए, प्रबलता लाने के लिए, और इसमें बोलने में आसानी रहता है। तो सीधा कॉर्ड क्या बनता है देखिए, सा ग पा पानी रे रे, ये रे के लिए है, फिर गा के लिए गा, मा के लिए सा मा धा। आप ये भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जो अच्छा लगे, मैंने आपको दोनों ही बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मा पा वही यूज कर सकते हैं आप, सागा पा नो प्रॉब्लम, अगर आप यू यूज कर सकते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं। पा धा नी के लिए नी, अगर आप इतना बना सकते हैं तो आप ये भी बना सकते हैं, रे पानी के लिए। पर मेरा मानना है कि तरीका यही है कि आप इसको इस तरीके से करें तो ज्यादा इफेक्टिव है। सा गा पा सा ये यूज करें, सा रे रे, मतलब रे पा नी रे, फिर गा के लिए गा पा सा गा, गा मा के लिए माधा सा मा। चीज वही है, अपने अपने तरीका है कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको ढाल सकते हैं, चीज वही है। आप सामाधा लगा लीजिए, सागा पा लगा लीजिए, पानी पे लगा लीजिए, ये गीतों के लिए एप्लीकेबल है। सरगम में क्या है आपको स्वर बोलना है, स्वर सटीक बोलना है। अब गाना अगर आप गा रहे हैं तो
के धागे तेरी उंगलियों से जाए, कोई डोह डोह ना लगे, किस तरह गिर हाये सोचे। इस तरह से एक प्यार का नगमा लग गया। जिंदगी और कुछ भी नहीं, धा के लिए लग गया सावा धा। तो ये टेक्निक गीत के लिए तो परफेक्ट है, पर रियाज के लिए आपको मेरी समझ से यही करना चाहिए। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि मेजर माइनर में क्या डिफरेंस है, तो उसके कॉर्ड्स कैसे लगाएंगे, और उसी तरीके से मैं बताऊंगा कि स्केलों में कैसे कॉर्ड लगाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मेजर माइनर की लैंग्वेज, वो मेजर माइनर की लैंग्वेज होती है जो आप ये लगाने की रे का कॉर्ड, योग नहीं, ये रे का कॉर्ड नहीं, ये डी शार्प का कॉर्ड है। अगर इंग्लिश में भाषा बोली जाए तो डी शार्प का कॉर्ड है, वो भी डी शार्प माइनर, ये मेजर है, तो ये हमारा सा बन गया। वही देखिए सा गा पा, सा रे गा मा पा रा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, ये सरगम यहां से बन गई। तो सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, तो ये शुद्ध कॉर्ड बन गया, इसमें बोलते शुद्ध स्वरों का कॉर्ड, और ये कोमल स्वर का बन गया, तो ये माइनर हो गया। तो मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा क्लियरली, तो आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड कीप वॉचिंग संगीत स्टेशन हिंदी। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।